हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वन प्लस मोबाइल में फोन डिवाइड क्या है, ये कहां पर मिलेगा, इससे क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वन प्लस मोबाइल में फोन डिवाइड वन प्लस मोबाइल का एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। अब मैं आपको बताता हूँ ये सेटिंग कहाँ पर मिलेगा और इससे क्या होता है। तो वन प्लस मोबाइल में ये सेटिंग लाने के लिए वन प्लस मोबाइल का सेटिंग ओपन करिए और उसके बाद इस तरीके से आएगा। तो आप स्क्रॉल करके नीचे करिए और आप यहाँ वॉलपेपर एंड स्टाइल पर क्लिक करिए और उसके बाद इस तरीके से आएगा। उसके बाद आप यहाँ फॉन्ट ऑप्शन पर क्लिक करिए और उसके बाद इस तरीके से आएगा। तो रोबोटो में ये ऑप्शन काम नहीं करेगा, तो आपको यहाँ वन सेंस पर क्लिक करना है, तब ये ऑप्शन आएगा, तब ये ऑप्शन काम करेगा। देख सकते हैं आगे यहाँ फॉन्ट वाइट, तो फॉन्ट वाइट अभी इतना पे सेट है डिफॉल्ट पे। आपको कम या ज़्यादा करना है तो इसको पकड़ के आप इधर की ओर कर दीजिए। तो कम करेंगे तो इससे होगा क्या, देख सकते हैं फॉन्ट का जो मोटाई है वो देख सकते हैं कम जाता है और फॉन्ट जो इतना टाइप में रहता है वो इधर में छोटा होता है कम करने से। जैसे मैं कम किया तो देख सकते हैं अभी इतना ये फॉन्ट है इतना बड़ा। अगर मैं इसको ज़्यादा करूँगा तो ये फॉन्ट का मोटाई भी बढ़ेगा और फॉन्ट का ये इस तरीके से चौड़ाई भी बढ़ेगा। जैसे मैं इसको पकड़ के इधर की ओर करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर फॉन्ट का मोटाई भी बढ़ रहा है और इधर से चौड़ाई भी बढ़ रहा है, देख सकते हैं। तो इसको कम करने से क्या होता है, देख सकते हैं फॉन्ट इस तरीके से जो है वो मतलब इसका मोटाई कम जाता है और देख सकते हैं इस तरीके से, और इसका जो दिखावा है वो भी थोड़ा कम जाता है। जैसे अगर इसको मैं इधर की ओर करता हूँ तो थोड़ा एकदम लाइट में दिखता है, मोटे में दिखता है, लेकिन अगर कम करता हूँ तो देख सकते हैं फॉन्ट इस तरीके से दिखता है। तो इसको कम करने से आपको पता चल गया कि क्या होता है, देख सकते हैं फॉन्ट का मोटाई कम गया और थोड़ा इधर में छोटा हो रहा है, कम चौड़ा हो रहा है। लेकिन अगर इसको मैं बढ़ाता हूँ तो देख सकते हैं फॉन्ट का मोटाई भी बढ़ता है और इधर से चौड़ा भी होता जाता है। तो इसको कम या ज़्यादा करने से ये होता है। तो जितना आपको लगता है कि हमें कम रखना है उतना आप यहाँ से कम रख सकते हैं, या ज़्यादा रखना है तो इधर की ओर करके ज़्यादा रख सकते हैं। तो जैसे मैं इतना पे रखना चाहता हूँ तो इतना कर लिया। अब मैं यहाँ अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं अप्लाई पे क्लिक कर दिया, अब ये अप्लाई हो गया। अब देख सकते हैं फॉन्ट स्टाइल देख सकते हैं किस तरीके से हो गया। पहले ये सब फॉन्ट मोटा मोटा दिखता था, अब पतला दिख रहा है। तो फॉन्ट वाइड से यही होता है।